कोरोना मरीजों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है, लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। यूपी में अब तक 49 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, तो 4 अन्य लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। केजीएमयू जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं कई लोग। तो आपको बता दें कि नोएडा की 33 वर्षीय महिला को कोरोना है, तो ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नोएडा की 54 साल की महिला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। नोएडा में भर्ती युवक कोरोना से संक्रमित पाया गया है। इन सभी की टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई हैं। तीनों नोएडा के अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। तो यूएस से लौटे आगरा निवासी को कोरोना संक्रमित पाया गया। 20 मार्च को यूएस से लौटे युवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी की अगर बात की जाए तो यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। यह आंकड़ा अभी तक 49 तक पहुंच चुका है। संजय हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। संजय, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बताऊं आपको कि मेडिकल कॉलेज ने जिस तरीके से आज सुबह रिपोर्ट जारी की है, उसमें फिर एक बार 3 पेशेंट जो है वो नोएडा के मिले हुए हैं और एक युवक वो आगरा का है। और अगर हम बात करें नोएडा के पेशेंटों की, तो ये इनकी जो हिस्ट्री है वो कॉन्टेक्ट की आई हुई है। जो महिला है 33 वर्षीय और जो नोएडा में भर्ती है, वही 36 वर्षीय पुरुष है, उसकी भी हिस्ट्री डिटेल नहीं मिल पाई है। और तो कुल मिला के नोएडा में इस समय कहें कि नोएडा के बाद आगरा, ये 2 शहर ऐसे हैं जहां पर कोरोना का जो कहर है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। कल भी 4 केस आए थे, जिसमें 3 केस नोएडा के थे और 1 केस बागपत का था, जो चारों केस पॉजिटिव थे। तो कुल मिला की संख्या 49 हो गई है। हालांकि लखनऊ का कोई केस इसमें नहीं शामिल है, ये सारे पेशेंट्स नोएडा में ही भर्ती है। और यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि कुछ लोग यहाँ पर 20 मार्च को भारत वापस लौटे हैं, आज 27 तारीख, इतना लंबे समय क्यों लग गया जांच रिपोर्ट आने में? इसमें मनीष, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ उस व्यक्ति की भी है जो बाहर से आ रहा है। अगर उसको एयरपोर्ट में लक्षण नहीं मिलते हैं जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय। तो आपको बता रहे हैं कि कहां कहां पर कोरोना ने कितनी तबाही मचाई है। तस्वीरें आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में अब तक 49 लोग संक्रमित पाए गए हैं, 0 लोगों की मौत हुई है। ईरान की बात की जाए तो यहां पर 29,406 संक्रमित पाए गए, 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। चीन की अगर बात की जाए, 81,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, वहीं 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फ्रांस की बात की जाए तो 25,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। भारत की बात की जाए तो यहां पर 718 लोग संक्रमित पाए गए, 16 लोग